हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल रीजनिंग के अंदर। अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिएगा और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने वाली हूँ। मेनली बच्चों को दिक्कत इस समय को बहुत सारे टाइम मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली और बहुत सारा सुनने को मिला है कि मैम इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें। बहुत टाइम से सोच रही थी मैं कैसे बताऊं, मतलब एक मैंने खुद ने कैसे प्रिपेयर किया इंग्लिश को और एक्सप्लेन करना, दोनों बहुत अलग अलग बातें होती, पर फिर भी मैं आपके सामने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ लिख के आई हूँ कि जो बच्चे जिनको आती है इंग्लिश वो कैसे प्रिपेयर करें और जिनको बिल्कुल भी नहीं आती वो कैसे प्रिपेयर करें। तो दोनों सिनेरियो को हम देखेंगे आज, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले, अगर हम बैंकिंग की बात करें क्योंकि बैंकिंग सबसे नियरेस्ट एग्जाम होने वाला है, तो बैंकिंग की बात करेंगे हम लोग। और बैंकिंग में नहीं, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश सब जगह सेम आती है, केवल लेवल का फर्क रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो मेनली अगर बैंकिंग में देखने को मिलता है, फिर किसी भी एग्जाम में दो तीन टाइप की देखने को मिलती है। पहले मिलेगा आपको आरसी देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद फिलअप देखने को मिलता है आपको, और क्लोज टेस्ट आरसी क्लोज टेस्ट हो गया, फिलअप्स हो गया, और एक आपका स्पॉटिंग एरर देखने को मिलता है। मेनली यही चार टाइप की चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, और पैरा जंबल और मान लीजिए जो आपको देखने को मिल जाता है मेनली, ये चार पांच चीज़ें देखने को मिलेगी। आरसी ज़्यादा मार्क्स की आती है आपकी 10-15 मार्क्स की, बैंक के एग्जाम में आरसी 10-15 मार्क्स की आती है। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का आता है आपका, पैरा जंबल भी 5 मार्क्स के आसपास आता है, फिलअप्स भी 5-10 मार्क्स के बीच का आता है, और एरर डिटेक्शन भी आपका 5-10 मार्क्स के बीच का आता है, वेरिएशन करता है, ठीक है। तो अगर हम पूरे रीडिंग को देखें, पूरे इंग्लिश को देखें, तो इंग्लिश जो है हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली चीज़ क्या होती है, रीडिंग के बेस पे कुछ सवाल आएंगे, आपको आरसी रखा होगा, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। एक पोर्शन होता है आपके पास आपका एरर डिटेक्शन वाला, मतलब ग्रामर बेस्ड सेक्शन होता है, उसमें ग्रामर से कुछ चीज़ पूछी जाती है आपको, डिटेक्शन एरर हो गया, पैरा जंबल्स हुआ, कुछ ग्रामर से बेस्ड होगा। थर्ड चीज़ आती है, वो आती है जो आपको रटी रटा चाहिए, जैसे कि वर्ड, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लेगा, किसी के वर्ड का सिनोनिम पूछ लेगा, किसी एंटोनिम पूछ लेगा, कुछ ईडियम्स फ्रेजेस बेस्ड सवाल आते हैं। तो टोटल किसी भी एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश में आपको यही 3 मेजर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बात करते हैं शुरुआत की, सबसे बेसिक चीज़ की ग्रामर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ग्रामर कैसे करेंगे, बहुत बच्चों को दिक्कत है ग्रामर कैसे करें। देखो, ग्रामर को करने का बेसिक तरीका आपके पास ये है कि पहले आप रूल्स पढ़ो सारे के सारे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये आपकी पहली अप्रोच है ग्रामर को प्रिपेयर करने की, ठीक है। पर मैंने ऐसे प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए और प्लस बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए, ठीक है। ये मैं बोलूँगी आपको, ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब है क्या, नाउन है क्या, एडजेक्टिव है क्या, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक बार क्या करें, 4-5 दिन के अंदर अंदर डेली एक टॉपिक को उठाइए और एक बार बेसिक रूल्स पढ़ बेसिक पढ़ लीजिए कि मतलब ऐसे आपको पता होना चाहिए, मतलब अगर पूछा है कि वर्ब क्या होते हैं तो आप डिफाइन करना आना चाहिए, नाउन क्या होती है पता होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें पहले वो पढ़ लीजिए। इसके लिए मैं आपको बोलूँगी, नीतू सिंह की एक किताब आती है आपके सामने, इंग्लिश की बुक आती है, एसएससी की बुक आती है, तो इंग्लिश सिंह की वो बुक पढ़ लीजिएगा, वो टॉपिक वाइज है, बहुत डिटेल मत जाएगा, एक्सरसाइज मत कीजिएगा भी, केवल आप पढ़िएगा कि वर्ब क्या होता है, उसमें कुछ कुछ बेसिक रूल्स रखे हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। केवल एक हफ्ते में आप ये करिएगा, सबसे पहले एक हफ्ते का मोर देन इनफ है, आपके पास 10-12 टॉपिक्स होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और आपका प्रीपोजिशन, कंपोजिशन, कंजक्शन, ये 4-5, 10-12 होते हैं, ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद शुरुआत कहाँ से करें, इंग्लिश के प्रिपेयर करने की, ये आपने सिर्फ देख लिया कि आपको आइडिया लगेगा कि आपने हुआ क्या, एक हफ्ते में एक काम कर लिया आपने, चाहे नए हो, जो पहली बार पढ़ चुका, जो नया हो, कोई भी हो, सबके लिए बेसिक चीज़ पहले ये 7 दिन में आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा इस बुक को। अब शुरुआत कैसे करें, एक दो किताबें हैं, पहली किताब है एक उसकी मिरर इमेज आती है, एक अजय नाम था, अशोक कुमार की, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की किताब आती है, अशोक कुमार की किताब है, वही किताब मैंने भी करी थी सॉल्व। उस किताब में क्या है, आपको ईयर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, ईयर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन डिटेल में रखे कि भाई अगर ऐसे एरर स्पॉटिंग आया, आपको ये सबसे पहले जो बता रहे हैं वो ग्रामर कहाँ पे यूज आएगा, एरर स्पॉटिंग में काम आएगा, कहीं कहीं आपको क्लोज टेस्ट में भी काम आएगा, कहीं कहीं पैरा जंबल में भी काम आएगा, तो ग्रामर एज अ बेस होता है, ठीक है। तो अगर आप मिरर कॉमन मिरर्स आती है किताब, कॉमन मिरर्स अशोक कुमार की आती है, वो किताब को देखेगा, उस किताब में क्या है,
ईयर वाइज ये रखा है क्वेश्चन, मतलब इस साल ये क्वेश्चन आए थे, उसका ऑब्जर्वेशन भी है। आपको ये करना है, आप एक टॉपिक को उठाइए, एक चैप्टर उठाइए, टॉपिक मतलब उसमें सेक्शन वाइज रखा है, सेक्शन उठाएंगे आप, मान लो 10 सवाल है वो उठाया आपने, पहले आप खुद पढ़िए, आपको समझ में आता है कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है सिर्फ 10 सवाल को देखिए, आंसर देखो और देखो कि क्या हुआ इसके अंदर, समझ लिया आपने कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो, समझ लिया कुछ हो गया कोई बात नहीं, अगले दिन उठाओ वापस से, पहले क्या करो वो जो चीज़ हमने कल पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज कीजिए, कि हाँ खुद से करके देखो कि हाँ अच्छा ये सर ने ऐसा इसमें एरर ये थी और क्यों एरर लगी थी वो आपको समझती, फिर आज के वापस 10 सवाल कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए कि हाँ इसमें ये अपने लॉजिक लगाइए कि हाँ भाई इसमें ये अच्छा इसमें ऐसे हुआ फिर ये हो गया ठीक है, अगर समझ में तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर क्या कीजिए आप लोग और पीछे से आंसर को देखिए और सॉल्व कीजिए, ऐसे करिए, ये आप लगातार करते रहिए, आप एक बार करोगे होगा आपसे नहीं होगा, दूसरी बार कीजिए सेम किताब को रिपीट करिए, तीसरी बार कीजिए, चौथी बार कीजिए, पांचवी बार कीजिए, छठी बार कीजिए, 5-6 बार जब किताब करोगे तो आपको अपने आप पता लगने लग जाए कि हाँ भाई आपकी दिक्कत कहाँ पड़ रही है, उसमें आपको बेसिक सवाल दे रखे होंगे, क्लरिकल बेस पे सवाल होंगे, सवाल सारे होंगे, बैंक के भी होंगे, एसएससी के भी होंगे, लेकिन उसमें बेसिक सवाल रखेंगे, जब ये आपके पास 1-2 बार हो जाए आपकी किताब, 1-2 बार आप कर लो, फिर किताब आती है टाटा मैकग्रॉहिल की आती है, मैकग्रॉहिल की आती है किताब आती है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के नाम से वो किताब है, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, उसमें पार्ट वाइज मतलब उसमें टॉप 100 ग्रामर के रूल्स दे रखे हैं, आप केवल वही रूल्स पढ़िए, थ्योरी के लिए आप नीतू सिंह की जगह वो किताब भी अपना सकते हो, टॉप 100 रूल्स ग्रामर के दे रखे हैं, उस किताब को देखिए आप, उसके टॉप 100 रूल्स पढ़िए, पढ़ लिए रूल्स आप लोगों ने 100, उसके बाद उसके बाद एक्सरसाइज रखिए, वही 10 सवाल दे रखे, 10-10 के सेट में रखे क्वेश्चन आप उसको 10 से 15 सेट दे रखिए, आपके पास 10 सवाल उठाइए ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिए, पहले जो हम रूल्स पढ़े हैं ग्रामर के उसको अप्लाई कर देखिए कि आपको अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहली बार में नहीं कर पाते आप कॉपी किताब के पीछे उसको टर्न करिए, उसके लिए सोल्यूशन दे रखा हो, सोल्यूशन को लिखिए आप, उसके बाद आप देखो उसको कि क्या जो सोल्यूशन दे रखा है आप सूट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप उसको मैच कर पा रहे हैं, फिर देखिए एग्जैक्टली रूल क्या होता है उसका, मतलब मैं सारे 10 सवाल का पूरा थ्योरी समझिए, आपने पढ़ा आपको समझ में नहीं है कोई बात है, आपने आंसर देखा आप समझा कि हाँ भाई ये यहाँ जैसे V1 के बाद ING आने वाला है, इसके बाद जीरन के बाद क्या आता है, नाउन के पास क्या आता है, तो ये सब देखिए समझिए, आप देख लिया आपने समझा कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया 1-2 बार रीड किया बंद कर दिया, आप मैंने वापस से किताब उठाओगे आप लोग, उसका वापस से जो कल हमने पढ़े थे उसको वापस से सॉल्व कीजिए, आपने सॉल्व किया उसके उसको सॉल्व करने के बाद क्या करें, उसके बाद फिर सॉल्व किया प्रॉपर्ली हो गया, अब आज के 10 सवाल करिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर पीछे से देखिए उसको लिखिए, फिर समझिए क्या ये ऐसे रूल कल हमने पढ़े थे हमने अप्लाई कर पाए नहीं कर पाए, आप ऐसे करिए कम से कम 1 महीना करिए, 1 महीना लगातार 1 घंटा दीजिए इस ग्रामर के पोर्शन को, आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ आपको कुछ कुछ चीज़ें अपने आप याद हो रही हैं, कुछ फिक्स रूल्स होते हैं उन्हीं पर सवाल आते हैं, मेनली बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते और इंग्लिश में आपको पास होना है, मतलब मैं मान लू 30 में से आपको 20 नंबर के आसपास चाहिए इतना मैं मान के चल रही हूँ, और इसके लिए बहुत मोर देन इनफ है, अगर आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे आपकी मर्जी, आप निश्चिंत की किताब से करें नहीं करें कोई बात नहीं, टाटा मैकग्रॉहिल की किताब ले लीजिए जो इजीली अवेलेबल हो, शुरुआत में आपको टॉप 100 बेसिक रूल्स रखे जो मेनली हर सेट में यूज में आते हैं, टॉप 100 रूल्स उसको पढ़ लीजिएगा, सेम ऐसे नितिन की किताब उसमें क्या टॉपिक वाइज रखा है कि भाई पहले नाउन का है फिर वर्ब का फिर ऐसे रखा है, तो एक्सरसाइज कीजिए ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आई थिंक जो ग्रामर का पोर्शन है चाहे आप न्यू कमर है पहली बार पढ़ रहे हैं चाहे 2-3 बार पढ़ चुके दोनों को समझ में आ गया कैसे करना है ठीक है, अब बात करते हैं एक कुछ सवाल आते हैं आपकी ईडियम फ्रेजेस की, ईडियम फ्रेजेस आते हैं कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आते हैं, ये कुछ चीज़ें आती है बहुत बहुत एग्जाम पूछे जाते हैं ठीक है, तो इसकी किताब है SP बख्शी की किताब आती है बहुत फेमस किताब है देखोगे मार्केट में, अब आप बोलोगे बुक्स कहाँ से, बेटा बुक्स खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि तो हर एक मतलब एक ही किताब में सब कुछ अवेलेबल नहीं रहता है, जिस किताब में सबसे बेसिक है और अच्छे दे रखे उसको बता रही हूँ मैं आपको, SP बख्शी को उठाइएगा उस किताब में आपको EDM फ्रेज दे रखी है, पढ़िएगा EDM फ्रेज को, आपको रटना नहीं रटोगे याद नहीं होगा, डेली आप 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट 5 पढ़ पाओगे आप लोग, डेली 5 पढ़िए ओनली 5 EDM फ्रेजेज हुआ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये डायरेक्टली यूज में आता है एग्जाम के आपके ठीक है, इनको मेनली आपको फोकस किस पे करना है, बैंकिंग में तैयारी कर रहे हैं तो EDM फ्रेजेज से फोकस करना है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आएगा EDM फ्रेज और फेजर वर्ब्स, ये दो चीज़ बहुत बार एग्जाम में आएगी, डेली 5 पढ़िए, 2 महीने का टाइम है डेली 5 ही पढ़ोगे, रीड करिए बंद कर दिए कोई बात नहीं, एक बार सुबह रीड कर लिए एक बार शाम को रीड कर लिए बंद कर दिए, उसको दिमाग में ये चीज़ अगले दिन जब शुरुआत करो देखो एक बार ध्यान रखना बैंक में,
अगर आप जब नए दिन शुरुआत करते हो तो आपको क्या करना है, पिछला जो आपने याद किया है उसको रिवाइज करोगे पहले और फिर नया पढ़ो। ये हैबिट रहेगी तो आपको आसानी रहेगी समझने में और याद करने में भी। पहले कल जो पढ़ा उसको रीड कीजिए 5 चीज़ों को, फिर नई 5 चीज़ें पढ़ो, किताब बंद करके शाम को भी काम कीजिए, फिर अगले दिन जो आज आपने नया पढ़ा उसको रीड कीजिए एक बार, फिर जो आज पढ़ोगे उसको पढ़ो, ऐसा आपको करना है। तो ऐसे बख्शी की किताब ले आएगा, उसमें idioms phrases रखिए और फ्रेज वर्ब्स इनको याद करना, ये चीज़ें होगी। अब बात करते हैं हम लोग रीडिंग सेक्शन की। सबसे काम का रीडिंग सेक्शन है, हर एग्जाम में काम आएगा और आपका देखिए बात करें मेंस की बात करें 10 से 15 सवाल हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं रीडिंग पर कॉम्पिटिशन से, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे, जिनको पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने आज से कभी रीडिंग करी नहीं, ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने कभी रीडिंग करी नहीं है, तो पहले उनकी बात करते हैं। तो अगर आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो आप क्या करें, आप गूगल पर सर्च करें शॉर्ट स्टोरीज, बच्चों की पंचतंत्र की स्टोरीज आती हैं, बहुत सारी स्टोरीज होंगी, राजा रानी की और कह रहे हैं घोष स्टोरीज हुई और ऐसे बहुत छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, हम देखते हैं स्टोरीज बचपन में सुनते ही हैं, उनकी स्टोरी सुनेगा, उनको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप क्या ये करते हो, ये गलती करते हो, पढ़ लेते हो, पढ़ना तो पढ़ते ही लेते, रीड कर लिया आपने, रीड करने के बाद 10 मिनट दो खुद को और सोचने का ट्राई करो कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, दिमाग में रिकॉल करो। ऐसे हम कोई जैसे मूवी हम देख के आते हैं, अब पूरी हमने मूवी देखी, अगर हम दोस्त को बताते हैं तो क्या बताते हैं भाई मूवी में शुरुआत से 3 घंटे की मूवी बताओगे, नहीं बताते, समराइज करते हो, हाँ भाई इसमें लड़का था हीरोइन था हीरो था, हीरोइन ने हीरो को मारा था, हीरोइन मर गया था, इसमें इसका स्टोरी ये थी, इसमें ये स्टोरी थी, तो ऐसे शॉर्ट में स्टोरी समझाते हो। सेम वही आपको खुद को एक्सप्लेन करना है कि आपने इसमें शॉर्ट में क्या समझा। जब तक आप ये काम करना नहीं सीखोगे तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, रीडिंग तो अपनी इंप्रूव नहीं होगी। तो जो बच्चे नए हैं वो लोग केवल गूगल पर सर्च किए शॉर्ट स्टोरीज, तो बच्चों के बहुत सारी स्टोरीज आ जाएगी, उसको रीड कीजिए और आप ऐसे समराइज करने ट्राई कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है। जिनको थोड़ी बहुत रीडिंग की हैबिट है वो क्या करें, न्यूज़पेपर उठाइए, ठीक है, न्यूज़पेपर जो भी सबसे अच्छा लगे आपको, जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि मान लो फैशन के बारे में अच्छा लगता हो या फिर कोई पॉलिटिक्स के बारे में या फिर स्पोर्ट्स के बारे में, कुछ भी ऐसा होता है आपको, हर किसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको उठाइए, उसका एक पैराग्राफ पढ़िए और सबसे पहले क्या है 10 मिनट खुद को दीजिए कि आपने उस पैराग्राफ में पढ़ा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसको समराइज कर पा रहे हो तभी मतलब है रीडिंग को पढ़ने का, वरना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वही करना है आपको, पढ़ना है, समराइज करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है उसका जवाब देना है, तभी आप कर पाओगे, ठीक है, ये बात हो गई। और जिसको और भी अच्छी हैबिट रीडिंग करने की, तो आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ध्यान रखना न्यूज़पेपर भी वो पढ़ें जो आपसे ईजी न्यूज़पेपर हो, शुरुआत में टफ की शुरुआत करोगे तो आज हिम्मत करके पढ़ लोगे, कल नहीं कर पाओगे। तो सबसे ईजी जो न्यूज़पेपर आता है जो टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत ईजी न्यूज़पेपर है, ईजी लैंग्वेज में होता है, अब हिंदू पढ़ोगे तो तय कट हो जाएगी ना, तो जो ईजी टॉपिक जो ईजी न्यूज़पेपर है उसको पढ़िए आप, वो आसान रहेगा आपके लिए। तो आप लोग पढ़ते भी द मिंट पढ़ोगे तो, या फिर वो पढ़ोगे क्या ना द हिंदू पढ़ोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ईजी न्यूज़पेपर पढ़िए पहले, हैबिट डालिए, पढ़ने की हैबिट डालिए पहले, ये बात हो गई। तो मैंने बताया आपको जिसको बिल्कुल नहीं आता, जिसको आदत पता है, उसको 3 लेवल्स पता है मैंने आपको। अब अगली बात ये होती है कि आपको मॉक टेस्ट भी जरूरी है, इंग्लिश का मॉक टेस्ट कैसे दे, देखो अगर आपने मॉक टेस्ट खरीदे होंगे किसी ना किसी के भी, जिसके भी खरीदो आपकी मर्जी है, किसी का भी घर सकते, बहुत सारे आते हैं, आप किसी का भी घर सकते हो, तो उसको करने के बाद क्या करोगे आप लोग, जैसे आप लोग इंग्लिश का अलग पहले क्या करो, इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट को दो, कैसे ना जैसे मतलब 4 दिन में एक बार दो, 4 दिन में आपने पढ़ाई करी, फिर 4th दिन आप टेस्ट दो, टेस्ट आप देना चाहते हो प्रॉपरली दे दो, कोई दिक्कत बात नहीं, या तो मैं तो ये बोलूँगी शुरुआत के 1 महीना क्या करो उसको सबमिट कर दो, टेस्ट सीधा खोला सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आराम से करो, उसमें 2 घंटे हो जाए, लेकिन आराम से लो, हर एक एरर को पढ़ो और देखो कि पहले खुद का लॉजिक लगा कि आपका लॉजिक क्या लग रहा है, उसका देखो आंसर कि आपने जो लॉजिक लगा क्या वो सही लगा था नहीं लगा था, फिर देखो कि आंसर में क्या लॉजिक लगा हुआ है उसको देखिए, ऐसे करके आपको हर एक पेपर को एनालाइज करना है, जितना आप एनालाइज करोगे उतना आपको फायदा रहेगा और आपको दिखेगा कि हाँ आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये 1 दिन में नहीं होगा, ये महीनों का काम है, कम से कम 1 महीना तो लगेगा कि समझने में आपको, हाँ भाई कि मेरे अंदर कुछ इम्प्रूव हो रहा है, पहले महीने आपको डेवलप होगा इम्प्रूवमेंट वाली बातें और उसके अगले महीने इम्प्रूव होगा। तो ऐसे करके आप इंग्लिश का सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, सबसे बेसिक तरीका मैंने बताया है आपको, इससे हर एक बच्चा इम्प्रूव कर सकता है, चाहे आप न्यू हो पहली बार पढ़ रहे हो, चाहे आप पहले भी पढ़ चुके हो, आप सब लोग इम्प्रूव कर सकते तरीके से, यही बेसिक तरीका है किसी को इम्प्रूव इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, 1 दिन में इम्प्रूव नहीं होगी। एक और बात है, जब आप रीडिंग को करते हैं तो बहुत सारे शब्द बीच में आते हैं, कभी कभी का हमें मतलब पता होता है, कभी कभी का मतलब नहीं पता होता है। तो एक बात पहले आप ये देखो, अगर टफ वर्ड आता है तो पहले आप ट्राई ये करो क्या आप उस वर्ड को मत देखो, क्या आप उस लाइन का मतलब समझ पा रहे हो,
ऐसा भी हमारे साथ होता है, हम किसी शब्द का मतलब समझ नहीं पाते, लेकिन हम उस लाइन का मतलब समझ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस शब्द का मतलब अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं, हाँ भाई इसका मतलब ये हो सकता है, इसके आसपास कुछ मतलब होगा, ऐसा कर लिया आपने, पहले समझ लीजिए, उसके बाद डिक्शनरी में देखो उस वर्ड को कि क्या वो सही वर्ड था या नहीं था, अगर सही था तो भी अच्छी बात, नहीं था उसको देखिए उसका मतलब क्या है। तो वैसे करके आप देखोगे तो आपके वर्ड्स भी कुछ इम्प्रूव होंगे, अगर आप डेली वर्ड्स को रटोगे तो भी बहुत दिक्कत वाली बात है। और एक और बात है, अगर वर्ड्स को रटना ही है तो एस वी बख्शी में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स या फिर वर्ड्स मीनिंग दे रखे हैं उनको रटना चालू करिए, डेली 5-5 कीजिए, 2-2 कीजिए, 3-3 जितना भी मर्जी उनको करिए और याद कर सकते, ये सबसे बेसिक अप्रोच है इंग्लिश को प्रिपेयर करने की, इससे बेसिक अप्रोच कोई नहीं। अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा हो कि हाँ मैम मुझे कोई दिक्कत है किसी को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी कि अब आपकी क्वेरी कैसे सॉल्व हो सकती है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि आपको इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, कौन सी किताबों को देखना है और कैसे करना है, आई थिंक क्लियर हो गया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो कि आपको लगा हो कि आपके लिए वीडियो यूजफुल थी, अपने बाकी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको भी लगता है कि इंग्लिश बहुत वीक है और इंग्लिश की वजह से उनको बहुत दिक्कतें महसूस होती है। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिएगा, और जितने भी साथी हैं उन सबको ये चीज़ शेयर कीजिएगा, सबके बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, बाय, मिलते हैं आपसे, बाय। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपकी क्वेरी का जरूर समाधान करूँ। टेक केयर, बाय।